हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठियोग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ठियोग और खड़ापत्थर में उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता इन दिनों दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को बुके दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और यहां आकर उन्हें गाली देते हैं। प्रदेश वापसी पर बजट का रोना रोते हैं, ये गलत बात है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के केंद्र से बजट न मिलने के बयान पर जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने ऊना जिला में नकली शराब बेचने के मामले में गिरफ्तारी को मात्र औपचारिकता बताते हुए निष्पक्ष और सघन जांच की मांग की है। जयराम ठाकुर ने धन की कमी का रोना रोने वाली कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां केंद्र से पूछ कर दी थी, इन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से धन की मांग कर रही है। केंद्र सरकार प्रदेश को पहले से निर्धारित बजट और ग्रांट दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेता दिल्ली जाकर भाजपा के मंत्रियों को फूल देकर उनकी प्रशंसा करते हैं और शिमला आकर गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सहायता के बिना प्रदेश के कर्मचारियों को एक महीने का वेतन देना मुश्किल होगा। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठियोग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ठियोग और खड़ापत्थर में उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता इन दिनों दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को बुके दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और यहां आकर उन्हें गाली देते हैं। प्रदेश वापसी पर बजट का रोना रोते हैं, ये गलत बात है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के केंद्र से बजट न मिलने के बयान पर जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने ऊना जिला में नकली शराब बेचने के मामले में गिरफ्तारी को मात्र औपचारिकता बताते हुए निष्पक्ष और सघन जांच की मांग की है। जयराम ठाकुर ने धन की कमी का रोना रोने वाली कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां केंद्र से पूछ कर दी थी, इन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से धन की मांग कर रही है। केंद्र सरकार प्रदेश को पहले से निर्धारित बजट और ग्रांट दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेता दिल्ली जाकर भाजपा के मंत्रियों को फूल देकर उनकी प्रशंसा करते हैं और शिमला आकर गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सहायता के बिना प्रदेश के कर्मचारियों को एक महीने का वेतन देना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSB News को।